फाइनली हम लोग आज एक बड़े ही दमदार फोन और ट्रेंडिंग फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। रेडमी 9 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग होगी आज, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थोड़ा मुझे बीस टाइप का फ़ोन लगता है ये, तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस देखते हैं इसमें अभी क्या क्या मिलता है अंदर, एंड फर्स्ट वन तो यहाँ पर सिम स्लॉट पिन मिली है, एंड सब में साथ है ये सिम स्लॉट पिन। एंड इसके बाद आप लोग को मैनुअल मिल जाता है बहुत बड़ा सा, क्या क्या इसमें फीचर्स है वो सब मैनुअल इसमें होगा। एंड इसके बाद हम लोगों को एक कवर मिल जाता है, एक सिंपल कवर मिलता है। आजकल फ़ोन में एयरफोन्स की जगह अभी कवर आने लगे हैं, एंड एक नॉर्मल सा कवर मिल जाता है, एंड एकदम मतलब स्टाइलिश तो नहीं बोलूँगा बट फ़ोन के हिसाब से सही है वो कवर। तो अभी हम लोग फ़ोन को ओपन करके देखते हैं। यहाँ से फ़ोन नहीं निकल रहा है, एंड जैसे कि यहाँ पर फ़ोन आ चुका है मेरे हाथ में। एंड इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका कैमरा क्या बॉम है, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम बॉम कैमरा है, एंड जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना ब्राइट एंड शाइन कर रहा है, एंड ये गोल्डन कलर है देख सकते हैं आप लोग कितना शाइन कर रहा है ये। एंड इसमें सिम तो वगैरह भी सिम इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सो फाइनली हमारा फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, एंड जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड जब तक ये थोड़ा सेटिंग्स होगा तब तक बाकी के एक्सेसरीज हम लोग देख लेते हैं। एंड पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक USB केबल मिल जाता है, प्लस उस चार्जर मिलता है 33 वोल्ट का फास्टेस्ट चार्जर। सो गाइस फाइनली हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, एंड चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। एंड इससे पहले मैं सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करने वाला हूँ, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मतलब डैशिंग सा लग रहा है ये फ़ोन, एंड थोड़ा ब्राइट भी लग रहा है। एंड इसमें कुछ चार कैमरा मिल जाते हैं आप लोगों को, एंड माइक्रो SD, नैनो सिम जो वगैरह सब में मिलता है सेम ही है। एंड इसका जो सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगा ये यहाँ पर मतलब लॉक के पास आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, एंड कैमरा विद पंच होल यहाँ पर रहता है मिल जाता है आप लोगों को। एंड चलिए हम लोग आप लोगों को बाकी डिटेल्स बताते हैं वॉट फोन में। एंड जो उसका डिस्प्ले है वो 60Hz है, तो चलाने में भी थोड़ा अच्छा सा फील होता है, एंड थोड़ा मतलब अच्छा सा लग रहा है इसको हाथ पे लेने के बाद, थोड़ा लॉन्ग है फिर भी अच्छा लग रहा है। चलिए डिवाइस नेम 9 प्रो, एंड ये 8GB है, एंड इसमें कुछ तीन वेरिएंट आते हैं, एंड इसमें से ये गोल्डन है, एंड ये बहुत ही मतलब रेयर है जो ज़्यादा बना भी नहीं अभी तक वो वाला है। एंड इसमें 8GB रैम है एंड 120GB इंटरनल है, एंड ऑक्टा कोर है देख लेते हैं आप 2.3 SZ। एंड इसमें ना 720 स्नैपड्रैगन है जो आप लेने के लिए मतलब अच्छा सा मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें PUBG कैसा चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी थोड़ा PUBG स्टार्ट ही हुआ है, एंड हम लोग आज फुल ब्राइटनेस पे देखते हैं कैसे चलता है ये PUBG, एंड क्या कैसा लग रहा है ये PUBG। 60Hz का डिस्प्ले कुछ मिल जाता है, एंड देख ही सकते हैं। चलिए इतनी जल्दी आप लोग देख सकते हैं कितना फास्ट PUBG
मतलब ओपन भी हो गया। ग्राफिक्स में कैसा क्या होता है एंड देखते कितनी जल्दी ये स्टार्ट होता है पबजी गेम में, हम लोगों को अंदर लेके जाते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से 720 स्नैपड्रैगन दिया तो फास्ट प्रोसेसर है एंड देख सकते हैं आप इतनी जल्दी गेम में आ भी गया गेम के अंदर। एंड दिस इज अ ऑसम फ़ोन यार, इतनी जल्दी मतलब गेम के अंदर भी आकर लेके क्या ऑसम से ग्राफिक्स लग रहा है यार इसमें, मतलब उसमें खेलने में मज़ा आता है मुझे पबजी। मैंने चलो मैं नीचे आ गया हूँ एंड आप लोगों को मैं ग्राफिक्स दिखाता हूँ इसके, ये देख सकते हो आप लोग ग्राफिक्स क्या दिख रहे हैं यार इसमें। एंड इसमें आप लोगों को कैमरा मिल जाता है कुछ 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है एंड मेरे हिसाब से 10x तक जूम हो सकता है इसमें, ये तो 2x था। एंड इसमें देखते आप 2, 4, 6, 8 10x तक जूम हो सकता है, पूरी डिटेल्स दिख सकती है कैमरे में, देख सकते हो आप लोग। एंड हम लोग वीडियो की बात करते हैं, आप तो वीडियो में कुछ 4K अल्ट्रा HD मिल जाता है, मतलब फुल पैसा वसूल फ़ोन लग रहा है मुझे तो। शॉर्ट वीडियो स्लो मोशन भी है इसमें, टिकटॉक लवर के लिए स्लो मोशन, अभी टिकटॉक तो बंद हो गया है तो रील्स बना रही पब्लिक आजकल, तो स्लो मोशन भी मिल जाता है इस पर। एंड ये रहा 64 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा HD कैमरा, चलो हम इसमें फ़ोटो लेकर देखते हैं कि कैसी आती है। तो लोड हो रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक एक डिटेल्स दिख रही है इसमें, ये वीडियो है। एंड ये पोर्ट्रेट मोड है, देखते पोर्ट्रेट करता है कि नहीं करता। तो यार इसने तो पोर्ट्रेट किया है, वो भी अच्छा, मतलब अच्छा है यार फ़ोन, पैसा वसूल फ़ोन है। नहीं नाइट में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती है, नाइट है, पैनोरामा है, प्रो वगैरह बहुत सारे कैमरे इसमें। एंड आपको इसमें कुछ 4 कैमरा मिल जाते हैं एंड 4 कैमरे में से कुछ 64 GB मेगा पिक्सल, 8 मेगा पिक्सल, 5 मेगा पिक्सल, 2 मेगा पिक्सल चारों कैमरे। एंड फ्रंट पे ना 32 मेगा पिक्सल मिल जाता है आपको एंड फ्रंट का कैमरा मेरे हिसाब से बेस्ट है बिकॉज मैंने फ़ोटो ली थी इसमें। इसमें आप लोगों को दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 8 GB वाला और एक 6 GB वाला। तो ये 8 GB है, 128 इंटरनल है इसका एंड थोड़ा कूल टाइप का पीस लग रहा है मुझे, मतलब यूज़ करने में एंड ग्रिप वगैरह है। एंड इसने स्नैपड्रैगन 720 जैसे कि मैंने आपको बताया पबजी ओपन करके कितनी जल्दी पबजी ओपन भी हो गया था एंड नॉर्मल फ़ोन में नहीं होता उतना जल्दी ओपन। एंड ये रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है 8 GB रैम वाला एंड ये MIUI कस्टमाइज़ किया इन्होंने। एंड इसमें ड्यूल सिम मिल जाता है आप लोगों को, प्लस मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। एंड इसमें 4G वगैरह जो है फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड क्विक चार्जिंग है। एंड इसका चार्जिंग वोल्ट जो 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है बॉक्स के साथ, वोल्ट का चार्जर मिलता है एंड 30 मिनट्स में आधी से ज़्यादा बैटरी फुल हो जाती है। एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बैक पे गोरिल्ला ग्लास है एंड फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है आप लोगों को। एंड इसका जो डिस्प्ले 16.94 सेंटीमीटर का, मतलब थोड़ा लॉन्ग है बट सही लग रहा है यूज़ करने में, गेम वगैरह खेलने में या मूवीज़ वगैरह देखने में अच्छा लगता है। एंड पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है, LCD का डिस्प्ले है जो देखने में कूल जैसा लगता है एंड शूटिंग कर सकते हैं इसकी। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है 5020 mAh मिल जाता है आप लोगों को। 5 का कैमरा है, कैमरे पे ही ज़्यादा Xiaomi ने ध्यान दिया है एंड इसके बिल्ड पे भी एंड थोड़ा मतलब लुक से भी अच्छा लगता है फ़ोन।
पहले इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो मुझे कमेंट करके बताओ ये फ़ोन कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो अच्छे ही चुके हम लोग हमारी, एंड वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताओ। एंड आप लोगों को कौन सी नई नई चीज़ें अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए एंड कमेंट करके बताओ, एंड मैं वो हिसाब से न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, लेट्स।